हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड। आज मैं आपको दम की सेवैयाँ की रेसिपी दे रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और लुक में भी बहुत रिच लगते हैं। ये आप इसे पार्टीज में बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए सेवैयाँ एक कप, इस तरह की जो नॉर्मल सेवैयाँ होती हैं वो। और मैंने एक कप सेवैयाँ ली है, तो एक कप मैंने शुगर लिया है, थोड़ा सा एक दो टेबल स्पून जितना घी लिया है मैंने, असली घी, और खोवा लिया है 100 ग्राम्स, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इलायची, और मैंने काले जामुन बना लिए हैं खोवे के, मैं इससे उसको गार्निश करूँगी। मैंने एक पैन रख लिया है, अभी मैं इसमें घी ऐड करूँगी और सेवैयाँ को हम ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए अभी ये सेवैयाँ ब्राउन हो चुकी हैं अच्छे से, इस तरह का कलर आना चाहिए। मैं अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करूंगी, ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूंगी। हमने एक कप सेवैयाँ ली है तो हम 2 कप पानी लेंगे। 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं। इसी में मैं खोवे को भी ऐड कर दूंगी। सब अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें सेवैयाँ को ऐड करूंगी। देखिए खोआ अच्छे से मिल चुका है पानी में, अच्छे से पक चुका है। मैं इसमें पिंच जितना रेड कलर ऐड करूंगी, इससे स्वीट में बहुत अच्छा कलर आएगा। मैं इसमें तले हुए सेवैयाँ को ऐड करूंगी। हम सेवैयाँ को अच्छे से गला लेंगे। देखिए थोड़ा सा पक चुके हैं सेवैयाँ। मैं इसको दम में 2 मिनट के लिए ढककर सेवैयाँ को और थोड़ा गला लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, सेवैयाँ अच्छी तरह से गल चुके हैं। अभी मैं इसमें शक्कर को ऐड करूँगी। हम इसे अच्छे से पका लेंगे। देखिए शक्कर अच्छे से पक रही है। देखिए शक्कर अच्छे से पक चुकी है। मैं इसमें अभी जामुन को डालूंगी और 2 मिनट दम पे रख लूंगी, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगी। मैंने जामुन को बनाने के बाद 2 मिनट फ्रिज में रख लिया था। थोड़ा सा मिक्स करूंगी मैं इसको और इसको 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगी। मैं इसमें इलायची के पाउडर को ऐड कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं। अभी देखिए दम की सेवैयाँ तैयार है। मैं इसको ऑफ कर लूँगी अभी स्टोव को और 2 मिनट में इसको ठंडा कर लूँगी, फिर सर्व करूँगी। आपको इसको पूरी तरह से सुखाना नहीं है, थोड़ा सा रखना है, ठंडा होने के बाद ये पूरा सूख जाएगा। तो अभी ये ठीक है तो मैं इसे अभी ऑफ कर लेती हूँ। देखिए मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देखिए अच्छे से सेट हो चुके हैं सेवैयाँ। अभी मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये ठंडे होने के बाद और घट हो जाएंगे और अच्छे से सेट हो जाएंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी सेवैयाँ बने हैं। आप इसे अपने पार्टीज में ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। देखिए इस तरह से बने हैं। आप मेरी और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।